राजधानी भोपाल के छोला थाना क्षेत्र अंतर्गत सोतेले बेटे और उसकी मां ने पति को उतारा मौत के घाट। बता दें कि राजधानी भोपाल में मालीखेड़ी इलाके में छोला थाना क्षेत्र अंतर्गत अपने पति को अपने बेटे के साथ मिलकर एक महिला ने मौत के घाट उतार दिया है। 10 महीने पूर्व ही उसने शादी की थी और उसके 18-20 साल के लड़के थे। और उसके बाद महिला का आरोप है कि जब पुलिस ने गिरफ्तार किया कि वह उसके साथ चरित्र शंका करता था और उसकी चरित्र पर शंका कर उसके साथ सोमवार को भी उसके साथ जब वह मारपीट कर रहा था तो उसके बड़े बेटे और उस महिला ने मिलकर उसको मौत के घाट उतार दिया। मृतक ड्राइवरी का काम करता था। प्राप्त हुई थी थाने में, ऐसे मालीखेड़ी रोड जो आउटर एरिया में पड़ता है वहाँ पे डेड बॉडी पड़ी हुई थी। उसको गले के पास चाकू जैसी नुकीली चीज धारदार हथियार के वार थे और पत्थर से कुचल करके मारा गया था। उसमें प्रारंभिक रूप से उसका जो सोतेला बेटा है उसकी तरफ से FIR ले ली गई थी, लेकिन बाद में जब इन्वेस्टिगेशन किया गया और जाँच की गई तो यह पाया गया कि मृतक ने 6-8 महीने पहले ही एक विधवा से शादी की थी और उस विधवा के 2 बेटे हैं जो भी बड़े बड़े 18-20 साल के हैं। और ये अपनी पत्नी से इसका झगड़ा वाद विवाद होता था, ये नशा वशा भी करता था, दारू वारू पीता था, तो उसको लेकर के इसकी पत्नी ने ही अपने बेटे के साथ मिलकर के इसको कल मार डाला। ये जो दूसरी पत्नी है उसके बेटे और दूसरी पत्नी उन दोनों ने मिलकर हत्या अंजाम दिया है। हाँ, दूसरी पत्नी ने और उसने अपने बेटे के साथ मिलकर के जो एक्चुअली उसके पहले पति से था बेटा उसको साथ में लेकर के इसको मारा है। वजह यही है वो इस दूसरी पत्नी से दुर्व्यवहार करता था, मारपीट करता था और शक करता था। प्रॉपर्टी को लेकर भी कुछ मामला सामने आ रहा है कि प्रॉपर्टी के चक्कर में उसका मर्डर। अब ये चीज़ें अभी इन्वेस्टिगेशन में आएंगी तो हम लोग जरूर उसका खुलासा करेंगे। हत्या को कैसे अंजाम दिया गया? हत्या को इस तरह से नहीं, इसमें यह किया गया था कि यह मृतक अपनी पत्नी के साथ ही कहीं गया था मोटरसाइकिल से, तो इसकी पत्नी ने अपने लड़के से बात की रास्ते में, तो लड़के ने इसको कहा कि इसको मालीखेड़ी रोड पर लेके आ जाओ, तो उधर ही उसी साइड उनका घर भी है, तो मालीखेड़ी वहाँ पहुँचे तो पहले से लड़का खड़ा था वहाँ उतर करके, फिर पहले बेटे ने अपने पिता के साथ वाद किया, फिर उसने उसको हथियार से गले पर वार किया, उसके बाद दोनों ने मिल करके उसको वहीं पत्थर से कुचल के फिर वहीं छोड़ के उसको चले गए। सर, इसमें जो आरोपी है उसमें बेटा सोतेला है और पत्नी दूसरी है? जो पत्नी है वो दूसरी बीवी है उसकी, इसकी पहली बीवी की मृत्यु हो चुकी है और उसमें जो आरोपी है वो पत्नी का पूर्व पति से हुआ लड़का है।